आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। क्या कहेंगे इस बार किस तरह का चुनाव होगा? मैं पहले आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, जनपद स्वतंत्र भदोही के समस्त मतदाताओं, अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं जयप्रकाश चौधरी, बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष स्वतंत्र भदोही, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सादर जय भीम करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, मानवर कांशीराम साहब को नमन करते हुए, आज इस निकाय चुनाव के महत्वपूर्ण चुनाव के समय में हमारी बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी, नगर पंचायत सूर्यावा से सम्मानित प्रत्याशी, बहुत युवा सम्राट भाई श्री भानु प्रकाश मौर्य जी, जिन्होंने माननीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त करके इस नगर पंचायत में भूचाल मचा दिया है। एक एक वोटर सपोर्टर हमारे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मतदाता, माताओं, बहनों, छात्र छात्राओं, नौजवान साथियों ने ये अपना परचम लहरा चुका है। मात्र हमारा औपचारिकता बाकी है कि 11 मई को चुनाव होगा, रिजल्ट 13 तारीख को जो होगा बहुजन समाज पार्टी के खाते में, हमारा चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी के भानु प्रकाश मौर्य जी जीत जाएंगे। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? हमारी मुद्दा बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय पर आदरणीय बहन जी चार बार सरकार बना चुकी हैं, बिना कहे बगैर वादा किए सरकार के नगरों का विकास, चाहे वो कांशीराम सहारी योजना रही हो, चाहे तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं रही हो। हमारी बहुजन समाज पार्टी के आयरन लेडी, हम सब की नेता, चार बार मुख्यमंत्री रहीं सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के कथनी और करनी मंत्र ये जनता जान चुकी है। इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी को जड़ सुखाड़ फेंकने के लिए नगर पंचायत में अपना मूल रूप से बहुजन समाज पार्टी की एक एक वोट न जाति पर न पाति पर, बटन दबेगी हाथी पर, ऐसा लोग उठाना। क्या ऐसी समस्या है जो सुनियावा नगर पंचायत में जो अभी पूरा नहीं हो पाया, जिसको पूरा करने के लिए नेताजी आगे बढ़ेंगे? जी, सुनियावा में बहुत सी समस्याएं हैं जो हमने स्वतः स्थलीय निरीक्षण किया है, गांव-गांव की ओर अकेला जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे साथ सुरेश चंद्र गौतम जी, संतोष राव जी, रामिल मिश्रा जी, वीरेंद्र जी, हलधर गौतम जी, तमाम हम लोगों ने कार्यकर्ता कोने कोने में जाकर देखा है, चाहे नाले रहे हों, चाहे बिजली रही हो, चाहे रास्ते रहे हों, चाहे खड़ंजे रहे हों, चाहे तमाम समस्या जो रही है जनहित का, वो नहीं सरकार कर पाई है। जो वर्तमान चेयरमैन रहे हैं उस पर उनका दृष्टिगत ध्यान नहीं गया। मलेपुर की बस्ती में अपने कोऑर्डिनेटर श्री अमरेंद्र बहादुर भारती सब सुरेश चंद्र गौतम के साथ परसों निरीक्षण कर रहा था। मलेपुर जैसे मलिन बस्ती है, मल ज़्यादा है, अनुसूचित बस्तियां हैं, वहां आज तक चेयरमैनों का निगाह और सरकार की निगाह नहीं गई है। उस विकासों के कड़ी में अब लोगों ने भरोसा विश्वास दिया है अपने प्रत्याशी के माध्यम से भानु प्रकाश के, कि एक एक जाति और समाज का विकास करने काम करेंगे। अभी पूर्व सरकार और पूर्व चेयरमैन ने नहीं कर पाया। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।